सावदा तल्लुक और अवेर के मुस्लिम समाज की ओर से आज फैजपुर शहर के प्रांत कार्यालय में निवेदन दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि भाजपा के माजी प्रवक्ता निपुल शर्मा पर कड़क कार्रवाई की जाए और गिरफ्तार किया जाए। इस समय सावदा शहर के सभी मुस्लिम समाज सेवक कार्यकर्ता और मुस्लिम समाज के नौजवान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। मैं हूँ शाकिर मलिक, जनता की बात अब तक। विशेषता करून नुपुर आणि जिंदल यांनी आमच्या समाजाचे प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या विरुद्ध जे अनुद्गार काढलेले आहे, त्या अनुद्गाराच्या निषेधार्थ आम्ही सर्व मुस्लिम समाजाच्या वतीनं आज प्रांत ऑफिसला एक निवेदन देण्यात आलेलं आहे। आमचं म्हणणं असं आहे की वारंवार अशा घटना महाराष्ट्रामध्ये आणि भारतामध्ये मुस्लिम समाजाच्या प्रेषित यांच्या विरुद्ध वारंवार असे अनुद्गार काढून आमच्या समाजाच्या भावना वारंवार दुखवण्यात येत आहे। कालच संभाजीनगरमध्ये मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दल एक चांगली घोषणा केली की ह्यानंतर आणि जो कोणी ह्या प्रकारचं मुस्लिम समाज आणि त्यांच्या धर्मगुरूबद्दल जो कोणी बोलेल त्यांच्या विरुद्ध शासन हे FIR आणि शासकीय गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांचंही म्हणणं आहे। आणि आमचंही म्हणणं आहे की कारी साहेब बोलले कि जो चीज लगेगा हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्तागी हम कदापि सहन नहीं करेंगे। इसके बाद भी एक बगैर आह्वान किए इतने लोग जमा हो गए, आह्वान अगर करेंगे तो पूरे जिले के लोगों को हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं और जिले के तहत हम लोग एक बड़ा मेमोरेंडम भी दे सकते हैं। इसके बाद मैं तमाम मुस्लिम समाज के लोगों से एक खुलूस गुजारिश करना चाहूँगा कि कानूनन जिस तरीके से हमको फाइट करना है, इसके अलावा भी हम लोग कोर्ट में इस तरीके की और जो भी है केसेस डालेंगे कि आगे ऐसी कोई गुस्ताखी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे वलियों के और हमारे बुज़ुर्गों के बारे में कोई ना करे। और आप लोगों से खुलूसन गुजारिश है कि आप लोग शांतिपूर्वक अपने घर पे जाएं। आज हम रावेर यावल तालुका के मुसलमान यहाँ प्रांत ऑफिस फैजपुर में जमा हुए हैं। उसका आज का जो हमारा जमा होने का जो विषय है कि हिंदुस्तान में पिछले कुछ टाइम से हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है और ये बार बार हो रही है। अभी भाजपा की प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जो गुस्ताखी की है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और हम लोग इसको कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। हम ये कहते हैं कि जो जान मांगो जान दे देंगे, जो माल मांगो माल देंगे, ये ना होगा हमसे कि हम नबी का जाओ जलाल देंगे। हम भारत सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से और यहाँ पर प्रांत अधिकारी से ये निवेदन देने आए हैं कि इस पर FIR हो चुकी है मुंबई में दोनों प्रवक्ताओं पर भाजपा के, इनको जल्द से जल्द अटक किया जाए और हमारे को मुस्लिम समाज को जो है वो न्याय दिया जाए और ऐसा कोर्ट भारत सरकार बनाए कि हमारे नबी की शान में और कोई भी जो हिंदू देवी देवता है और जो भी धर्म के जो मान्यवर है उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना करे, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे जल्द से जल्द अटक करके फांसी की सजा दी जाए। हमारा कानून तो कुछ और ही कहता है, लेकिन हम भारत के कानून के संविधान को मानने वाले हैं। इसलिए मैं जलगांव जिला से और तमाम महाराष्ट्र के मुसलमानों से अपील करूंगा कि आओ, अब तो बाहर आओ कम से कम। हमारे को जो लोकतांत्रिक अधिकार हमारा जो संविधान देता है उसके तहत आकर अपनी बात रखो, हर जगह इसके बारे में निवेदन दो और अपनी बात को शासन तक के पहुंचाओ। लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। नूपुर शर्मा को सजा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। नूपुर शर्मा को सजा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। गुस्ताखे रसूल को फांसी होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। गुस्ताखे
दफ्तर, ये अटक उस पर एफआईआर तो हो गई है, ये अटक करने की हम लोग आपसे मांग कर रहे हैं, हमारी आप मांग जो है शासन को पहुंचाइए, हमारी मांगनी पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगनी पूरी करो।